आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न बारबाडोस से भारत तक मनाया जा रहा है। मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, जमीन पर हाथ पटकने लगे, विराट के गले लगकर रोए, हार्दिक पंड्या का गला चुमा और गले लगा लिया। मैच के दौरान भी कई पल थे जो यादगार बन गए। 2011 के बाद अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले BCCI सचिव जय शाह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप में हम रोहित की कप्तानी में बारबाडोस में भारत का झंडा गाड़ेंगे। भारतीय कप्तान ने मैच जीतने के बाद ऐसा ही किया और जय शाह की बात को सच साबित कर दिया। इस मोमेंट पर जय शाह भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट और रोहित ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा एक मिनट तक गले मिले, दोनों के आंखों में आंसू थे। T20 इंटरनेशनल में लंबे समय तक खेलने के बाद दोनों ने इसे अलविदा कह दिया। अहम मौके पर 3 विकेट लेकर मैच इंडिया के पाले में करने वाले हार्दिक पंड्या भी कप्तान रोहित से गले मिले। रोहित ने उन्हें सीने से लगा लिया और किस भी किया। हार्दिक की आंखों में आंसू आ गए। मैच के बाद पूरी टीम जमकर नाची। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा विराट कोहली और अर्शदीप का भांगड़ा। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया। इसके बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को वीडियो कॉल की और काफी देर तक बातचीत करते रहे। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।